अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 121 में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारजनों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके समस्याओं का निराकरण हेतु जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण करवाए जाने हेतु घोषणा की गई थी। परिशिष्ट कह, उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, क्योंकि भवन निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15/2/2023 को भूखंड 4000 वर्ग मीटर आवंटन किया गया है एवं दिनांक 3/3/2023 को भूखंड का कब्जा प्राप्त किया गया है। भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाया जाएगा। उक्त बजट घोषणा में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। सैनिक कल्याण भवन हेतु उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने पत्र क्रमांक जयपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त PRN उत्तर प्रथम 2023 D-149 दिनांक 15/2/2023 द्वारा आवंटन पत्र जारी किया गया है एवं दिनांक 20/2/2023 को भूखंड का पट्टा निष्पादित कर दिए कर प्राधिकरण की श्री की गोकुल नगर योजना में 4000 वर्ग भूमि निःशुल्क आवंट की गई है। परिशिष्ट है, भवन निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण विभाग RSRDC से व्यव का पूर्व अनुमान फोरकास्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हेतु दिनांक 8/3/2023 को पत्र लिखा गया है। उक्त कार्रवाई उपरांत बजट प्रावधान के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये सही सैनिकों और विधवाओं का जुड़ा हुआ मामला है। आपका प्रश्न लगते सब समाधान हो गया, अब क्या बचा? 23 तारीख को प्रश्न लगा और बजट घोषणा 22 तो आप उसके सब तो फैक्ट हो गया। अध्यक्ष जी, बस मैं वही आपके आपके प्रश्न लगने के बाद सारा उत्तर ढंग आ गया, जमीन अलॉट हो गई। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें बजटीय प्रावधान जो है वो बजट एलोकेशन 0, काम प्रारंभ 0 और लैंड जो है वो अलॉट की है वो इससे 23 तारीख को क्वेश्चन लगने के बाद फरवरी मार्च में। तो मानिए तो 8/3 को हुआ भी इंतजार करें, अगला प्रश्न पूछे आपका। अगला प्रश्न ये, अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है क्या कि जो बजट की घोषणा है उनको 5-6 सालों में पूरा करे और उस वित्तीय वर्ष में ये झांके भी नहीं उसमें, क्योंकि ये 22-23 की प्रश्न शुरू हो गया। प्रश्न पूछे, क्या सरकार बजट घोषणाओं के लिए एक वर्ष के लिए की है या 5-6 वर्षों की? इसका जवाब माननीय सैनिक मंत्री ने देंगे। अगला प्रश्न, शिवम प्रकाश उड़ला, ये इनसे पूछे।